नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भिलवाड़ा लोकवाणी में। आज भिलवाड़ा पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करी गई है, जिसके अंतर्गत लॉरेंस गैंग के 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार करा है और उनके पास से 20 ऑटोमेटिक पिस्तल और 37 मैगजीन बरामद किए गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई, जहां पर इस पूरे मामले की जानकारी दी गई। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि इस समय जिले भर में लगातार नाकाबंदी करी जा रही है और इसी तरीके की एक नाकाबंदी में इन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ दिनों से हमने जिले में पुलिस की प्रेजेंस जो है आप सब देख रहे हैं और नाकाबंदी पे हमने विशेष ध्यान दिया है। पूरे भीलवाड़ा ज़िले में न केवल पुलिस की पैदल गश्त जगह जगहों पर नाकी, बल्कि हथियारबंद नाकाबंदी भी हमने सरप्राइज एलिमेंट के साथ शुरू की है। पिछली बार भी जब आप लोगों से मुलाकात हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने कलेक्टर साहब के यहाँ, तब भी मैंने ये बताया था कि हम नाकाबंदी और पुलिस प्रेजेंस सड़क पर बढ़ाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि उससे अपराधियों में ये भय हो कि हर जगह पुलिस खड़ी है, निकलते समय वो सोचे एक बार के लिए और उनका आवागमन निर्बाध रूप से कहीं भी ना चल पाए। इसी नाकाबंदी के फलस्वरूप कल रात को मांडल चौकी के पास हमारा जो नाका लगा हुआ था, जिसमें थाने के हमारे थानाधिकारी, मैं अपने जाब्ते के साथ साथ ही जो मांडल चौकी का जो स्टाफ था, वो हमारे जवान वहाँ पर नाका लगाए हुए थे। उसी क्रम में ये गाड़ी एक हरियाणा नंबर की स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी आती हुई दिखाई दी। गाड़ी को दूर से ही देखकर आभास हुआ कि HR नंबर की है और संदिग्ध वाहन हो सकता है, इसे चेक किया जाना चाहिए। लेकिन पुलिस की प्रेजेंस देखकर गाड़ी को उन्होंने तेज़ी से निकालने का प्रयास किया। वहाँ मौजूद हमारे जाब्ते ने उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जाब्ते के ऊपर भी गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। मशक्कत के बाद हमारे जवान ने अपनी प्राइवेट गाड़ी स्टार्ट करके हम लोगों के आगे लगाई, उस गाड़ी को रोका गया। रोकने पे इन चारों को हमारे जाब्ते ने दबोच लिया। साथ ही गाड़ी की जब बारीकी से छानबीन की, जांच की अंदर से, तो उसमें टोटल छानबीन करने पे बड़ा ही आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ नज़र आई। हथियारों का एक बड़ा जखीरा उसमें मिला, 20 ऑटोमेटिक पिस्टल्स के साथ 37 मैगजीन्स उस स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी में थी। इन लड़कों को पकड़ के जब इनसे पूछताछ की गई तो जानकारी में आया कि ये लड़के मध्य प्रदेश से के इंदौर से ये हथियार लेकर के आ रहे थे और हरियाणा में इसकी डिलीवरी करने जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में हमारी नाकाबंदी और मुस्तैदी से इन लोगों को पकड़ा गया, ये हथियार जब्त किए गए। और भी इन लोगों से पूछताछ और इनके फोन्स जब चेक किए गए तो ये चौंकाने वाली बात सामने आई कि ये लॉरेंस गैंग के लिए काम कर रहे हैं, लॉरेंस गैंग का एक पार्ट है और लॉरेंस के जो भक्त हैं उनमें से ये यंग लड़के हैं, तो उसी 24-25 एज ग्रुप के लड़के हैं। तो ये इनके मोबाइल में लॉरेंस के फ़ोटोज़, इनके व्हाट्सएप फेसबुक पर लॉरेंस के फ़ोटोज़ और लॉरेंस की भक्ति में ये लोग काफ़ी उसमें है। जैसा कि ये सोपू गैंग के साथ हम सभी जानते हैं कि सोपू से जो लोग एसोसिएटेड रहते हैं वो लॉरेंस को अपना बहुत कुछ मानते हैं। तो ये लड़के लॉरेंस गैंग के ही इशारे पर ये हथियारों की डिलीवरी देने जा रहे थे। इसमें इन लड़कों को जो डायरेक्शंस मिल रहे थे वो एक शुभम बेगानी नाम के व्यक्ति से मिल रहे थे। शुभम बेगानी अभी जेल में है और शुभम बेगानी लॉरेंस का क्लोज एसोसिएट है उसकी गैंग में। अब इसमें आगे और जांच की जाएगी और आगे की जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे आप लोगों से शेयर किए जाएंगे। ये कौन सी जेल? शुभम बेगानी जोधपुर जेल में बताया जा रहा है, किसी हत्या के मामले में इसको गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से ये वहाँ पे है। इन चारों के नाम है राजेंद्र उर्फ जोकर, इसको मदारी भी कहते हैं ये लोग अपनी गैंग में। इसके ऊपर जहाँ तक जो सूचनाएं अभी हमें मिली हैं उसके हिसाब से इसके ऊपर एक आधा दर्जन मुकदमे हैं, जो अन्य जघन्य IPC की जो धाराएं हैं जघन्य अपराधों वाली उनमें ये मुकदमे हैं, जिनमें 307 भी है, 392, 384, 386, 385 में ये मुकदमे इस बंदे के ऊपर दर्ज हैं। सभी में ये
विजय ट्रायल कोर्ट चल रहा है और अभी कुछ दिनों पहले ही ये राजेंद्र जेल से बाहर जमानत पर आया है। दूसरा लड़का ये सब कहाँ के हैं मैडम? ये हिसार के हैं और इसमें इसके ऊपर जो मुकदमे भी हैं वो सिरसा, पंजाब के जीरकपुर, बलोंची, मोहाली, अंबाला, उखलाना, पंजाब में इस लड़के के ऊपर मुकदमे हैं। तो अगर हम कहें नक्शल में तो ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है और अलग अलग शुभम बेगानी के ऊपर भी अलग अलग राज्यों में कई मुकदमे दर्ज हैं जिसकी डिटेल हम लोग निकलवा रहे हैं। और ये राजेंद्र का जितना हमें रिकॉर्ड मिला उतना रिकॉर्ड मैं आप लोगों से साझा कर रही हूँ कि इसके ऊपर 6 मुकदमे विभिन्न धाराओं में अभी पंजाब के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। राजेंद्र उर्फ जोकर के अलावा इसमें विक्रम सिंह है 19 साल, मोनू है और प्रवेश, ये 4 लड़के हैं। ये सभी हरियाणा के रहने वाले हैं, अलग अलग जगहों के हैं। राजेंद्र उखलाना मंडी का है, मुगलपुरा उखलाना मंडी। विक्रम पानीपत का है, मोनू रोमाना फतेहाबाद हरियाणा का है और प्रवेश उखलाना जिला हिसार का है। Stay updated always with Bhilwara Lokwani News app. हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताजा खबरें आपके मोबाइल पर। देखें न्यूज वीडियोस किसी भी टाइम। हमारे साथ जुड़े रहे और डाउनलोड करें भीलवाड़ा लोकवाणी ऐप, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। डाउनलोड नाउ। और सब्सक्राइब करना ना भूले आपका अपना भीलवाड़ा लोकवाणी YouTube चैनल।